हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन स्टडी क्लास। इंटरमीडिएट में आज हम लोग सिंटेक्स पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंटेक्स। क्या होता है सिंटेक्स? देखिए, जो सिंटेक्स शब्द है वो SYNTAX। सिंटेक्स का अगर हम वर्ड मीनिंग देखें, शाब्दिक अर्थ देखें, ये जो सिंटेक्स है ये दो शब्दों से मिलके बना है, SYN और TAX, ये हुआ सिंटेक्स। तो सिन का मतलब हुआ टुगेदर और टैक्स का मतलब हुआ पुट इन ऑर्डर, पुट इन ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ? टुगेदर पुट इन ऑर्डर या पुट इन ऑर्डर टुगेदर। तो टुगेदर मतलब एक साथ और पुट इन ऑर्डर मतलब क्या हुआ? क्रम में रखना, अर्थात एक साथ शब्दों को सही क्रम में रखना ही क्या है? सिंटेक्स। अगर डेफिनेशन हम जानना चाहें तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स, अर्थात करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही क्रम, वाक्य में शब्दों का सही क्रम ही सिंटेक्स कहलाता है। तो सिंटेक्स के अंतर्गत हम शब्दों का सही प्रयोग जानेंगे कि किस शब्द का प्रयोग कहां होता है। सिंटेक्स में वैसे तो हमको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, नाउन का प्रयोग कैसे करें, प्रोनाउन का, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, अर्थात कुल मिला के टोटली हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको पूरा पढ़ना है। लेकिन हम यहां सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल से। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे? आर्टिकल से। आर्टिकल क्या होते हैं? देखिए, इंग्लिश में ए, एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। और जो आर्टिकल है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल द या दी भी पढ़ते हैं इसको। हम जब डेफिनिट आर्टिकल पर चलेंगे तो हम बताएंगे कि द का उच्चारण अर्थात टी एच ई के दो प्रोनाउंसिएशन है, कहीं द और कहीं दी। हम लोग जानेंगे कि कब द कहें पढ़ेंगे और कब दी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आर्टिकल ए और एन की चर्चा करें। ए और एन, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहां करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम सबसे पहले देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल ए का प्रयोग कब और कहां करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल ए के प्रयोग के लिए सबसे पहला चीज तो ये है कि हम आर्टिकल ए को हम अ भी पढ़ते हैं। और आर्टिकल अ का प्रयोग सबसे पहला तो ये जानिए कि किसी न किसी कंसोनेंट के साथ, कंसोनेंट के साथ स्टार्ट होने वाले शब्दों से पहले हम अ का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। एक चीज ये भी बता रहे हैं कि कंसोनेंट से आरंभ होने का तात्पर्य शब्द का पहला अक्षर नहीं है, शब्द का प्रोनंसिएशन, शब्द का उच्चारण कंसोनेंट से होता है तो हम अ का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के पहले। सबसे पहली बात तो ये, हम ए का प्रयोग कहां करेंगे? काउंटेबल नाउन के पहले। तो काउंटेबल नाउन के पहले जिसका उच्चारण कंसोनेंट से होता हो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। जैसे अ बुक, अ चेयर, अ हॉर्स, अ टेबल, एनीथिंग, ठीक है, अ रूम, मतलब ए ई आई ओ यू वावेल होते हैं इंग्लिश में, बाकी 21 जो अल्फाबेट हैं वो कंसोनेंट होते हैं। तो उनसे भी हम ये ध्यान देंगे कि स्टार्टिंग जो होना चाहिए प्रोनंसिएशन का वो कंसोनेंट से होना चाहिए। दूसरा नियम है कि जब यू का उच्चारण यो हो जाए और ओ का उच्चारण वो से निकलता हो, यू का आवाज यो से या ओ का उच्चारण वो से, जैसे अ यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग यू से है, बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि यू,
क्योंकि हमको कहीं ना कहीं पीछे पढ़ाया गया होगा छोटी कक्षाओं में AEIOU के साथ एन का प्रयोग आप दिमाग से निकाल देंगे, AEIOU के साथ एन का प्रयोग, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मेन जो फंडा है, जो मेन ट्रिक है, वो ये है कि उसका प्रोनंसिएशन कंसोनेंट हो, प्रोनंसिएशन जो है वावेल हो। तो यूनिवर्सिटी का प्रोनंसिएशन किससे होगा? यू, यू मतलब यो से स्टार्ट हो रहा, और यूटेंसिल यू से है लेकिन यो से स्टार्ट हो रहा है। यूनिफॉर्म यूरोपियन देखिए ई से स्टार्ट है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन यो से हो रहा है। ऐसे कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? अ का प्रयोग, ए का प्रयोग। ओ का उच्चारण कभी कभी वकील वाला वो होता है, जैसे 1 रुपी नोट, एक रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट देखा आपने? शायद नहीं देखे होंगे। यही है 1 रुपए का नोट, आप देख सकते हैं। अ वन आइड मैन, वन आइड का मतलब क्या हुआ? काना व्यक्ति। तो वन आइड, इसका उच्चारण किससे हो रहा है? व से हो रहा है, व से हो रहा है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। तीसरा नियम क्या है? कॉमन नाउन के पहले एनी का भाव प्रकट करने के लिए भी ए का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन के पहले एनी का भाव, एनी मतलब कोई, अगर कॉमन नाउन के पहले कोई के अर्थ में भी हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे अ किंग हैड 4 सन्स, एक राजा के 4 बेटे थे, नहीं किसी राजा के 4 बेटे थे, तो किसी राजा का मतलब अ किंग, तो यहां किसी के अर्थ में आ रहा है, इसलिए हम किसके प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, ए यानी कि एनी के लिए आ रहा है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हुआ। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? नाम विशेष को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। और अगर उसका प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हो रहा हो तो ऐसे परिस्थिति में हम ए का प्रयोग करेंगे, जैसे ही इज ए साइलॉग, साइलॉग का एस कैपिटल है मतलब प्रॉपर नाउन है। साइलॉग कौन है मालूम? हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, एक बुक पढ़ेंगे, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का, उसी में एक कैरेक्टर आता है किसका? साइलॉग का। और ये साइलॉग कौन था? अ क्रूएल मनी लेंडर, एक निर्दयी महाजन रहता है, और वह निर्दयी महाजन के रूप में यहां आइडेंटिफाई हो रहा है, तो उसको संज्ञा दी जा रही है साइलॉग की, यानी कि ही इज ए क्रूएल मनी लेंडर, न लिख करके साइलॉग की संज्ञा दी जा रही है। तो साइलॉग क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके आगे किसका प्रयोग करेंगे? हम ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग प्रति के अर्थ में भी होता है। प्रति का मतलब पर, प्रति जैसे प्रति माह, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, जैसे लिखा रमेश अर्न्स 10,000 रुपीज ए मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ, रमेश प्रति माह 10,000 रुपए कमाता है, तो यो ये ए है, इसका अर्थ क्या है? प्रति है। तो इस तरह से ए का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? काउंटेबल नाउन के पहले, कंसोनेंट प्रोनाउंसिएशन वाले शब्दों से पहले, यू का उच्चारण य और ओ का उच्चारण व से हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे। कॉमन नाउन के पहले एनी का अर्थ प्रकट करने के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा हो तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, और ए का प्रयोग प्रति के अर्थ में भी होता है। इसके अतिरिक्त फ्रेज वगैरह में भी ए का प्रयोग होता है, जैसे इन अ लार्ज मेजर, इडियम एंड फ्रेजेस में भी जो है ए का प्रयोग होता है। और अब इंडेफिनिट आर्टिकल एन देखेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग कब करेंगे? सबसे पहला चीज जानिए, पहले ये जानिए कि इंग्लिश के जो वावेल हैं AEIOU से स्टार्ट होने वाले और स्टार्ट इससे होने वाले और उच्चारण भी हिंदी के स्वर यानी कि वावेल से हो, उच्चारण भी हिंदी के स्वर से हो और स्टार्टिंग भी AEIOU से हो रहे हो,
तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, जैसे कहते हैं ना एन एप्पल। अब देखिए स्टार्टिंग किससे है, ए से एप्पल, एडी वाला ए आ रहा, जैसे एन ऑरेंज, जैसे एन एक्स, जैसे एन इंक पॉट, जैसे एन अम्ब्रेला। तो ये ए आई ओ यू से, जैसे एन एब, एन एलिफेंट। तो उनका पहला जो अल्फाबेट है वो वावेल भी है और उनका प्रोनंसिएशन भी क्या है, स्वर से हो रहा है, वॉवेल से हो रहा है। तो उसके पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा चीज, यदि कोई शब्द एच से स्टार्ट हो रहा हो, किससे, एच से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन उसका जो उच्चारण है, प्रोनंसिएशन है, उच्चारण स्वर से हो रहा हो, अर्थात उसी को हम कह सकते हैं कि एच साइलेंट हो, उसी को हम क्या कह सकते हैं, एच साइलेंट हो, एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका उच्चारण ह नहीं हो रहा है, ह के बजाय अ होता है, यानी एच साइलेंट हो जाता है, तो उसके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एन आवर पढ़ते, इसको हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। जैसे एन ऑनरेबल, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल पर्सन, सम्माननीय व्यक्ति। तो ऐसे में हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तीसरा चीज, तीसरा पॉइंट क्या देखना है हमको, तीसरा पॉइंट ये देखना है कि शॉर्ट फॉर्म, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको संक्षेप में हम व्यक्त करते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म के पहले अगर उसका प्रोनाउंसिएशन किसी न किसी का वावेल से हो, तो उस परिस्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यानी कि हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म से पहले, शॉर्ट फॉर्म से पहले, जैसे ये कहा जाए कि ही इज एन एम ए। एम ए मतलब क्या हुआ, एम ए डिग्री का नाम है, स्टार्टिंग एम से है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एम ए, एम यानी कि एडी वाला ए से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कहा जाए हिज फादर इज एन एमएलए, एमएलए, एम एल ए। उसके आगे भी किसका प्रयोग, एन का। जैसे एमपी, एमपी मतलब समझते हैं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मास्टर ऑफ आर्ट। अगर वहीं बीए कहा जाए तो हम ए का प्रयोग करेंगे, बीएससी कहा जाए, बीटेक कहा जाए तो हम वहां ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर एमटेक, एमएससी, एमकॉम, एमए कहा जाए तो ऐसे परिस्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और भी शॉर्ट फॉर्म है, जैसे एसपी तो एन एसपी, एसपी एसडीओ क्या लगाएंगे, एन एसडीओ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, संक्षिप्त रूप के पहले अगर प्रोनाउंसिएशन का वावेल से स्टार्ट हो रहा हो तो हम एन का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त एक चीज और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण उसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, अगर किसी, चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण क्या है, चौथा पॉइंट, अगर कोई वर्ड एच से स्टार्ट हो,
से स्टार्ट हो उच्चारण उसका, ह से हो उच्चारण किससे हो रहा, ह से। लेकिन अगर पहले भाग पर नहीं दूसरे भाग पर जोर दिया जाए तो ऐसे परिस्थिति में भी हम एन का प्रयोग कर ही देते हैं, जैसे हिस्टोरिकल नॉवेल या हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो एच से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। होटल होटल, एन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम प्रोनाउंसिएशन वावेल से स्टार्ट होने वाले शब्दों के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं।